बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट अ फंक्शन इज़ और उसके बाद हम उसको अपने प्रोग्राम में किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद हमने अपने फंक्शंस को फोर कैटेगरीज में डिवाइड किया था, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द रिटर्न वैल्यू एंड पैरामीटर्स। हमने कहा था हमारे फंक्शंस कुछ इस तरह से आएंगे जिनको हम कोई पैरामीटर्स पास करेंगे और कुछ फंक्शंस होंगे जिनमें हम कोई वैल्यू उनसे रिटर्न करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमारी ये कुछ फोर कैटेगरीज आई थी। इन प्रीवियस वीडियो हम ऑलरेडी ये वाली कैटेगरी जिसमें हम ना तो कोई पैरामीटर पास कर रहे थे और ना ही वो फंक्शन हमें कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा था, दैट इज़ जब आप फंक्शन को कॉल करते थे वो अपनी बॉडी के अंदर ही सारा काम कर लेता था। नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस कैटेगरी जहाँ पे हम अपने फंक्शन को पैरामीटर्स पास करेंगे बट हमारा फंक्शन हमें कोई वैल्यू वापस नहीं करेगा। दैट इज़ अगर आप दोबारा से वो बॉस और एम्प्लॉय वाली एग्जाम्पल कंसीडर करो तो अब हम क्या करेंगे कि बॉस अपने एम्प्लॉय को कोई फाइल्स या कोई डेटा देगा जिसके ऊपर हमें काम करना होगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, एम्प्लॉय अपना सारा टास्क परफॉर्म करेगा और काम ख़त्म करके वो फाइल अपने पास रख लेगा। उसके बाद वो एम्प्लॉय अपने बॉस को कोई भी अपडेटेड फाइल रिटर्न नहीं करेगा। सो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हम अपने फंक्शन को पैरामीटर देंगे जिसके ऊपर उन्हें काम करना है और उसके बाद वो पूरा काम अपने बॉडी के अंदर ही परफॉर्म कर लेंगे। सो नाउ लेट्स क्रिएट आवर फॉर फंक्शन। अब हमने क्या करना है, हम एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम इवन और ऑड होगा। उसको हम क्या करेंगे, हम अपने फंक्शन को एक वैल्यू पास करेंगे, एक नंबर देंगे जिस नंबर को वो चेक करेगा कि वो इवन है या ऑड है, और उसको चेक करने के बाद वो वहीं पे काम बता देगा कि ये नंबर इवन था या ऑड था। वो वापस अपने मेन फंक्शन को इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। इन प्रीवियस वीडियो हमने ऑलरेडी ये वाला प्रोग्राम बनाया था जिसमें हम अपने फंक्शन को क्या करते थे, हमने एक फंक्शन बनाया था इवन और ऑड के नाम से जिसमें हम करते थे एक वैल्यू यूज़र से रीड करते थे और उसके ऊपर इफ़ कंडीशन लगा के चेक कर लेते थे कि वो नंबर इवन है या ऑड है। अब यहाँ पे हमने क्या टास्क करना है कि ये जो नंबर हम अपने फंक्शन के अंदर जाके पूछ रहे थे वो हम फंक्शन के अंदर नहीं पूछेंगे, वो क्या होगा, जो हमारा मेन फंक्शन है वो इस नंबर को पूछेगा और पूछने के बाद हमारे इवन ऑड फंक्शन को दे देगा। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी ये वाली स्टेटमेंट्स जहाँ हम यूज़र से वैल्यू रीड कर रहे थे अपने प्रोग्राम में से रिमूव कर देते हैं। हमने क्या किया, इवन ऑड फंक्शन के अंदर से इसको रिमूव कर दिया और अब हम मेन के अंदर आ जाते हैं। मेन दैट इज़ योर बॉस, वो क्या करेगा, वो वहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेगा और उसकी वैल्यू यूज़र से ले लेगा। अब उसने ये वैल्यू यूज़र से ले ली, उसके बाद क्या है, उसने ये वैल्यू अपने एम्प्लॉय को पास करनी है। एम्प्लॉय को पास हम किस तरह से करेंगे, हमें पता है हमारा ऑलरेडी एक फंक्शन बना हुआ है, कौन सा फंक्शन है, इवन ऑड के नाम से। उसको कॉल हम किस तरह करते हैं, हम अपने फंक्शन का नाम लिख देते हैं। फंक्शन का नाम लिखने के बाद ये जो हमारे ब्रैकेट्स थे, पहले हम कोई भी चीज़ इनसे पास नहीं कर रहे थे, अब हम क्या करें, हमने कोई चीज़ पास करनी है और वो क्या चीज़ पास करनी है, जो ये ए वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है वो हमने पास करनी है। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे ए। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, ये जो फंक्शन इवन और ऑड है उसको ए वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है, जो डेटा पड़े वो पास हो जाएगा। सो हम बेसिकली कह रहे हैं हम पास बाय वैल्यू करें, वी आर पासिंग अ वैल्यू। चलो अब यहाँ से वैल्यू तो चली गई, तो जब हम अपने फंक्शन में आते हैं इवन और ऑड उसके ये जो हेडर पे जब आते हैं तो अब क्या होगा, बॉस ने तो फाइल आपको पकड़ाई, तो जब आपने पकड़ी आपने उसको किस तरह से कैरी किया वो चीज़ आ जाएगी। अब उसको कैरी कहाँ पे करेंगे, ये जो ब्रैकेट्स हैं इन ब्रैकेट के अंदर हम एक वेरिएबल क्रिएट कर देंगे। वो वेरिएबल क्या करेगा कि जो इसको वैल्यू मेन की तरफ से आ रही है उसके अंदर स्टोर कर लेगा। अब वो वेरिएबल कौन सा बनेगा, हम उसके लिए वही डेटा टाइप यूज़ करेंगे जो हमारी यहाँ पे पास होते हुए वैल्यू की है। इंट है तो इसका मतलब है हम वहाँ पे भी इंटीजर बनाएंगे, अगर हमें मेन में से कोई स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है तो यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने इंट वेरिएबल क्रिएट किया और उसका आप कोई भी नाम रख दो, लेट से मैंने उसका नाम रख दिया ए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब ये बाकी सारा फंक्शन मेरा एज इट इज़ रहेगा, इफ़ कंडीशन लग जाएगी, इफ़ ए मॉडुलस 2। अब ये ए क्या चीज़ है, ये वाला जो वेरिएबल है ये इस फंक्शन के अंदर यूज़ हो जाएगा और उसके बाद वो क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, अगर इवन है तो इवन प्रिंट कर देगा, अगर ऑड है तो ऑड प्रिंट कर देगा। अगेन हम यहाँ पे कोई चीज़ वैल्यू वापस नहीं भेज रहे, हम अपने बॉस को वापस जाके कोई चीज़ नहीं दे रहे, तो हमने रिटर्न टाइप वॉइड रख दी। चलो ज़रा प्रोग्राम को रन करके देखते हैं।
लेट्स रन द प्रोग्राम. उसने कहा एंटर अ नंबर, लेट्स से मैंने उसको 12 दिया, उसने कह दिया इवन. अगेन रन करते हैं, उसने कहा नंबर दो, मैंने उसको दे दिया 9, उसने प्रिंट कर दिया ऑड. अब चलो अपनी प्रोग्राम की वर्किंग देखते हैं. क्या होगा यहाँ पे, प्रोग्राम स्टार्ट होगा और स्टार्ट होने के बाद मेरे प्रोग्राम को पता लग जाएगा कि आपके पास एक इवन और ऑड के नाम से एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है. मैं इस इवन और ऑड को कॉल करने से पहले अपने कंपाइलर को बता दूंगी कि ये एक फंक्शन है. उसके बाद क्या हुआ, जब आप मेन में आ गए तो मेन में क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल की वैल्यू हमने यूज़र से ले ली. अब यूज़र ने यहाँ पे जो भी वैल्यू एंटर की होगी, एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं ए को पास कर रही हूँ, तो ए के अंदर जो भी वैल्यू थी वो वैल्यू कहाँ कॉपी हो जाएगी, इस ए वेरिएबल के अंदर. अब ये ए वेरिएबल के अंदर दोबारा से जो भी वैल्यू कॉपी हुई थी उसके ऊपर हम कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और फर्दर आप अपना आंसर शो कर सकते हो. अब यहाँ पे आप देखो, मैंने दोनों वेरिएबल्स का नाम ए रखा था. देर इज़ अ पॉसिबिलिटी आप यहाँ पे उसका नाम नम रख दो. दैट इज़ आप कंसीडर करो आपके बॉस ने जो फाइल दी, बॉस ने उसका नाम ए रखा हुआ था, लेकिन जब आप अपने रूम में आए तो आपने अपने रूम में आने के बाद उसका नाम ए नहीं रखा, आपने उसका नाम नम कर दिया. योर चॉइस कि जब तक आप उसके ऊपर काम करोगे आप उसको नम कहोगे. तो अब क्या होगा, मेरे फंक्शन के अंदर यहाँ ए की जगह हम कर देंगे नम, बिकॉज अब हम इस नम वेरिएबल की वैल्यू को यूज़ करेंगे. चलो अब इसको दोबारा रन करते हैं. हम वैल्यू देते हैं 88 और उसने शो कर दिया इवन. सो ये जो ब्रैकेट्स के अंदर हम अपने वेरिएबल्स दे रहे होते हैं, हम बेसिकली कोई उनकी वैल्यू पास कर रहे होते हैं, उनके अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होती है वो वैल्यू कॉपी हो जाएगी और जो फंक्शन के हेडर है उसके अंदर जो वेरिएबल बना होगा उसके अंदर वो आ जाएगी. वी कैन इवन गिव मोर देन वन वेरिएबल. इनको ये जो हम वेरिएबल्स दे रहे होते हैं इनको हम कहते हैं पैरामीटर्स. अब यहाँ पे आप एक पॉइंट बहुत नोट करो, जब आप वैल्यू पास कर रहे थे एट द स्टेज ऑफ कॉलिंग फंक्शन, यहाँ जब कॉल कर रहे थे, यहाँ हम सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखते हैं, उस वेरिएबल का नाम जिसकी वैल्यू आपने पास करनी होती है. वेयर एज जब आप हेडर में आ रहे होते हो, आप फंक्शन के हेडर पे आते हो, तो वहाँ पे आपको वेरिएबल तो बनाना पड़ता है लेकिन साथ उसकी डेटा टाइप भी बतानी पड़ती है, ताकि आपके इस फंक्शन को भी पता लग जाए कि मेरे पास कौन सी वैल्यू आ रही है. दैट इज़ आप जब एम्प्लॉय आएगा, एम्प्लॉय को भी पता हो मेरे पास किस तरह की चीज़ आ रही है. नाउ लेट्स डू अनदर एग्जाम्पल. अब हम क्या करते हैं, रीड 3 नंबर फ्रॉम यूज़र, पास इट टू द फंक्शन, उसका नाम है सम, जहाँ पे हम क्या करेंगे, वो फंक्शन तीनों नंबर को ऐड करेगा और उनका सम शो कर देगा. तो जब हम फंक्शन बनाने लगेंगे, द पॉइंट इज हम कहाँ पे बनाएंगे, हमें पता है हम उसको मेन से पहले बनाएंगे. क्यों मेन से पहले बनाएंगे, बिकॉज जब मेन में उसको आप कॉल करने लगोगे तो कॉल करने से पहले आपका फंक्शन डिफाइन होना चाहिए. हम पहले अपना मेन का पार्ट लिखते हैं और उसके बाद अपना फंक्शन बनाएंगे. तो हम मेन में क्या करते हैं, हम तीन वेरिएबल्स बना लेते हैं n1, n2 एंड n3 और उनकी वैल्यू यूज़र से रीड कर लेते हैं. हमने क्या किया, हमने तीन वेरिएबल बना लिए और इनकी वैल्यू हमने रीड कर ली. अब हमने क्या करना है, हमने इनकी वैल्यू को पास करना है टू अ फंक्शन जिसका नाम होना चाहिए सम. चलो हम सिंपल एक सम फंक्शन, क्योंकि हमें बनाना है, हमें पता है ये एक नाम होगा, हमने उसको नाम लिख लिया. अब उस फंक्शन को आपने वैल्यूज़ कौन सी पास करनी है, ये n1, n2 और n3, ये तीनों वैल्यूज़ पास करनी है. तो हम उनको उसी पर्टिकुलर ऑर्डर में जिसमें हम उनको पास करना चाहते हैं उसको यहाँ पे लिख देंगे, उनको सेपरेट कर लेंगे कॉमा के साथ और ये तीनों वैल्यूज़ मेरे फंक्शन के पास चली जाएंगी. चलो अब हम अपना फंक्शन बनाते हैं. फंक्शन हम मेन से पहले बनाएंगे. अभी हम करंटली ये काम कर रहे हैं कि जो आप फंक्शन बनाओगे वो कोई वैल्यू वापस नहीं देगा, तो हम यहाँ पे डेटा टाइप इज void स्पेसिफाई कर देते हैं. फंक्शन का नाम क्या है, सम, आपका वही नाम आना चाहिए जो यहाँ पे आपने स्पेसिफाई किया, स्पेलिंग शुड बी सेम. और इस सम फंक्शन के अंदर कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास तीन वैल्यूज़ आ रही हैं, सो इसका मतलब है यहाँ पे मुझे हेडर के अंदर तीन वेरिएबल बनाने पड़ेंगे और तीनों वेरिएबल्स की डेटा टाइप कौन सी होनी चाहिए, जो यहाँ पे पास हो रही है. तो हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप आ जाएगी. मैं कहती हूँ इंट ए, पहला नंबर आ गया. उसके बाद जब दूसरा नंबर आना चाहिए हमें दोबारा डेटा टाइप लिखनी पड़ती है. दोबारा से आप इंट लिखोगे इंट बी, फिर आप
थर्ड वेरिएबल बनाओगे और उसके लिए फिर इंट नाम लिख के इंट सी लिखोगे, तो इस तरह से आपके तीन वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे। जब हम सिंपल प्रोग्रामिंग कर रहे थे हम डेटा टाइप एक दफ़ा लिख के कॉमा सेपरेट करके वेरिएबल्स के नाम लिख लेते थे, वो ठीक था, बट इन हेडर हमें सेपरेट करना पड़ता है, हर डेटा टाइप को स्पेसिफिकली बताना पड़ता है। अब क्या हुआ, हमारा हेडर बन गया, लेट्स क्रिएट द बॉडी। बॉडी में हमने क्या काम करना है, हमने बॉडी में इन तीनों नंबर्स को ऐड करना है। अब आप यहाँ पे देखो, जो आपकी वैल्यूज जब आपने पास की थी n1, n2 और n3, तो वो उसी पर्टिकुलर ऑर्डर में यहाँ कॉपी होंगी। n1 की वैल्यू a में आएगी, n2 की b में और n3 की c में आ जाएगी। हमने क्या किया, हमने इनका सम लेना था। वी कैन सिंपली डू, आप एक वेरिएबल बनाओ int sum, उसके अंदर क्या कर दो a प्लस b प्लस c, और उसके बाद हम कह देते हैं c आउट कर दो दैट द सम इज़, और वो क्या है, हमारे वेरिएबल सम में है, हमने वो कर दी। लेट्स रन इट। उसने कहा एंटर वैल्यूज, हमने कहा 10 प्लस 2 प्लस 100, सो उसने आंसर शो कर दिया सम इज 112। एक मेथड तो ये था कि हमने अपने वेरिएबल्स को ऐड करके सम में स्टोर किया। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि मैं यहाँ करने की बजाय इसको कमेंट करें, और डायरेक्ट क्योंकि हम यहाँ सी आउट करें तो ए प्लस बी प्लस सी कर दें तो हमारे पास डायरेक्ट ये हो जाएगा। लेट्स रन इट अगेन, अगेन गिविंग द वैल्यूज, सेम वैल्यू दे देते हैं, दैट इज 10 प्लस 2 प्लस 100 एंड योर आंसर विल बी 112। सो दैट्स हाउ हम अपने पैरामीटर्स पास करते हैं, जिस ऑर्डर में आप पास करोगे उसी ऑर्डर में यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। बाकी सारा हम टास्क या मॉड्यूल हम उसी तरह से कर रहे होते हैं जैसे अभी तक हम सिंपल प्रोग्रामिंग में कर रहे थे। टाइम फॉर आवर प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब आप एक काम करो, अब आप एक फंक्शन बनाओ जिसका नाम होगा पावर। उसको क्या करोगे, आप मेन में यूज़र से दो वैल्यू रीड करोगे, दैट इज़ बेस एंड एक्सपोनेंट वैल्यू, दैट इज़ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट 100 की पावर 10, तो आपकी बेस 100 हो जाएगी या 10 विल बी योर एक्सपोनेंट। आप मेन में ये दोनों वैल्यूज रीड करोगे, यू विल पास इट टू द फंक्शन जिसका नाम पावर होगा, और उसके अंदर आप पावर कैलकुलेट करके उसको वहीं पे प्रिंट कर दोगे। हेयर यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ एनी बिल्ट इन फंक्शन। हमें पता है हमारे C++ का एक POW पावर फंक्शन ऑलरेडी बिल्ट इन एग्जिस्ट करता है, अब वो कैसे काम करता है, हम वो फंक्शन बनाएंगे। टेक योर टाइम देन कम बैक फॉर माई सोल्यूशन। ओके जी, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने दो वेरिएबल बना लिए मेन के अंदर बेस और एक्सपोनेंट के नाम से। आई विल रीड देयर वैल्यूज फ्रॉम द यूज़र और उसके बाद मैं क्या करूँगी, आई विल पास दिस इट टू द फंक्शन पावर। मैंने अपने फंक्शन का नाम POWER रखना है। अब यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने फंक्शन का नाम POWER रख रहे हैं, वेयर एज हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन POW एग्जिस्ट करता है। हम अपने वही स्पेलिंग नहीं रख सकते बिकॉज दिस आर द रिजर्व्ड वर्ड और कीवर्ड्स ऑफ योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज C++। हम अपने रिजर्व्ड वर्ड को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, हमें कोई नए स्पेलिंग के साथ अपना फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। इसको अब मैं वैल्यूज़ क्या पास करूँगी, पहले मुझे पास करना है बेस को कि पहले बेस जाए, और उसके बाद मुझे क्या पास करना है एक्सपोनेंट को। मैंने दोनों वैल्यूज़ दे दी कि इनके ऊपर आपने काम करना है। चलो अब हम अपना फंक्शन बनाते हैं। मेन से पहले हमारा फंक्शन आ जाएगा, रिटर्न टाइप विल बी void, उसका नाम आ गया पावर, और उसके पास कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, दो वैल्यूज़ आ रही हैं। मैंने कहा int a और दूसरी वैल्यू इज़ int b। लेट्स क्रिएट द बॉडी। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द पावर हमें एक इनिशियली वेरिएबल चाहिए होगा जो हमारा आंसर स्टोर कर रहा होगा। हम उसका नाम रख देते हैं आंस और उसको हम इनिशलाइज कर देते हैं 1 के साथ। इसके बाद हम करेंगे वी नो, हमें एक लूप लगानी पड़ेगी जो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम आई 1 से स्टार्ट करेंगे और एक्सपोनेंट तक जाएगी कि इतनी दफ़ा आपका नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई होगा। अब हमारा एक्सपोनेंट किसके अंदर आ रहा है, बी वेरिएबल के अंदर। सो जब मेरा आई एक वेरिएबल जो काउंटर वेरिएबल है स्टार्ट होगा 1 से, इट शुड गो अप टिल इक्वल्स टू बी और इसको हम प्लस प्लस कर देंगे, और एज अ रिजल्ट क्या होगा, मेरे पास आंस मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, आप किसके साथ करोगे, ए के साथ, दैट इज आंस इज इक्वल्स टू आंस मल्टीप्लाई ए। और आफ्टर दैट, आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ होल दिस पार्ट, हम अपने आंसर को प्रिंट कर देंगे। सो हमने एट लास्ट
आफ्टर कैलकुलेशन सी आउट स्टेटमेंट लिख दी, दैट इज ए पार बी इज इक्वल्स टू वट एवर द आंसर इज, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेट्स रन द कोड, एंटर द बेस, हमने कह दिया लेट्स सेट, हमने बेस उसकी दे दी है 2, उसकी पावर उसने कहा हमने उसकी दे दी 10, एंड एज अ रिजल्ट हमारे पास आ गया 1024। सो दैट्स हाउ हम अपने पैरामीटर्स को पास करते हैं और वो हमारे इधर हेडर के अंदर जो वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं उनके अंदर आ जाएगा और उसकी वैल्यूज़ को वो फर्दर यूज़ करते हैं इन द कैलकुलेशन। नाउ लेट्स मॉडिफाई आवर सेम प्रोग्राम, जिसमें हमने पावर का एक फंक्शन बनाया था, जहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हम अपने फंक्शन को पैरामीटर पास कर रहे थे लेकिन हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे थे। एज अ रिजल्ट क्या हो रहा था, हमारा फंक्शन ही उस आंसर को प्रिंट कर रहा था। लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम अपने इस फंक्शन को मॉडिफाई करेंगे सो दैट जो उसने आंसर कैलकुलेट किया है वो वापस रिटर्न करे हमारे मेन फंक्शन को, और मेन में आके हम अपनी सी आउट स्टेटमेंट यूज़ करके अपने आंसर को प्रिंट करें। सो नाउ वी विल हैव सम रिटर्न वैल्यू। सो अब आप यहाँ पे देखो, हमने पावर फंक्शन जब यूज़ कर रहे थे तो हम कुछ पैरामीटर्स रिसीव कर रहे थे, दैट इज़ हमें इनपुट वैल्यूज़ मिल रही थी, उन वैल्यूज़ को यूज़ करने के बाद हमने पावर कैलकुलेट की और हमने उसको सी आउट कर दिया। Now we don't want to use this cout statement जो आंसर को प्रिंट करे इन द पावर फंक्शन, वेयर एज हम चाहते हैं कि हमने ये कैलकुलेट जो कर लिए, कैलकुलेट करने के बाद हम अपने मेन फंक्शन को वापस भेज दें, दैट इज़ हम अपने बॉस को जाके बता दें ये आंसर आया है हमारा और वो प्रिंट करे आगे सी आउट स्टेटमेंट यूज़ करते। एज अ रिजल्ट क्या होगा, हमें कोई वैल्यू वापस भेजनी होगी, तो जब भी हमें कुछ वैल्यू वापस भेजनी होती है तो जो कीवर्ड हम यूज़ करेंगे दैट इज़ रिटर्न। अब रिटर्न में आपने क्या चीज़ वापस भेजनी है, आप ए की वैल्यू वापस भेजना चाहते हो, ए एन एस वेरिएबल की वैल्यू भेजना चाहते हो, या आई वेरिएबल, जिस चीज़ को वापस आप रिटर्न करना चाहते हो हम वो यहाँ पे लिख देंगे। अगर मैं ए एन एस वेरिएबल लिखूंगी तो इसका मतलब है उस वेरिएबल की वैल्यू वापस चली जाएगी। अगर इंस्टेड ऑफ वेरिएबल मैं कोई एग्जैक्ट वैल्यू लिख देती हूँ, 8 लिख देती हूँ, जिस तरह हमने इंट मेन फंक्शन में रिटर्न 0 करते थे, तो एग्जैक्ट वो नंबर हमारा रिटर्न हो जाता है। वेयर एज हेयर वी नीड द वैल्यू ऑफ ए एन एस वेरिएबल, तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब हम यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करें, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमारी रिटर्न टाइप है, दैट इज़ पहले तो हमने वॉइड कह दिया था कि हम कुछ वैल्यू वापस नहीं देंगे, लेकिन अब हम वैल्यू वापस दे रहे तो उस वैल्यू की टाइप क्या है। अब यहाँ पे ए एन एस वेरिएबल की टाइप क्या है, दैट इज़ इंटीजर, इंटीजर डेटा टाइप थी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंट, दैट इज़ अब जो ये फंक्शन काम करेगा तो काम करने के बाद ये आपको एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप मॉडिफाई कर दी। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है मॉडिफिकेशन का, दैट इज़ हेयर, जहाँ पे हम मेन के अंदर अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। पहले तो हम कॉल कर रहे थे तो डायरेक्ट सिंपल फंक्शन का नाम और पैरामीटर्स लिख दिए थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें एक वैल्यू वापस आ रही है, उस वैल्यू को कहाँ स्टोर करोगे, हमें उसके लिए एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। हम एक वेरिएबल बना देते हैं इंट, और हम यहाँ पे कह देते हैं पूरा एक नाम लिख देते हैं आंसर के, आंसर इज़ इक्वल्स टू, दैट इज़ ये फंक्शन जब सॉल्व होगा तो जो आंसर आएगा वो कहाँ स्टोर हो जाए, वो आंसर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। अब हमारे पास ये जो आंसर आ गया इसको हम प्रिंट कर लेंगे, तो हमने यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट लिखी, दैट इज़ यहाँ पे हम अपना वेरिएबल लिख देंगे बेस, उसकी पावर क्या थी, हमारे एक्सपोनेंट वेरिएबल में आ रही थी, हम उसको लिख देंगे, और उसके बाद जो हमारा आंसर आ रहा है वी आर गेटिंग इट इन आंसर वेरिएबल, तो हमने यहाँ पे उसको सी आउट कर दिया। तो अब हमारे पास हो क्या रहा है, यहाँ पे हमने मेन में जो वेरिएबल्स दिए थे उनकी वैल्यू हमने क्या की, हमने उनकी वैल्यू पावर फंक्शन को पास कर दी। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जो बेस के अंदर वैल्यू या आप कहो जो डेटा है था वो हमारा किस वेरिएबल में चला जाएगा, ए वेरिएबल में, और ई एक्स पी वेरिएबल में जो वैल्यू थी वो आ जाएगी बी के अंदर। एज अ रिजल्ट उसको यूज़ करते हुए हमने अपना पावर कैलकुलेट कर ली, और उसके बाद हमारा जो पावर है वो कहाँ पे फाइनल आंसर स्टोर हो रहा है, दैट इज़ इन आंसर वेरिएबल। हमने इसकी वैल्यू को रिटर्न कर दिया मेन फंक्शन को, कि हमारे मेन फंक्शन में जाके जो इसके अंदर डाटा पड़ा है वो दे दो। तो वो डाटा हमने कहाँ स्टोर किया, हमने स्टोर कर लिया अपने इस आंसर वेरिएबल के अंदर। लेट्स रन द प्रोग्राम, उसने कहा बेस दो, हमने दिया 2, एक्सपोनेंट हमने दे दिया 10, एज अ रिजल्ट किया हुआ 2^10 इक्वल्स टू 1024 उसने हमें शो कर दिया। तो अगर आप इस प्रोग्राम की वर्किंग देखो तो हम इसको दोबारा से बॉस और एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग कंसीडर करते हैं। बॉस ने क्या किया, जो मेन फंक्शन हमारा बॉस है उसने क्या किया, पावर फंक्शन को ये दो वैल्यूज़ दे दी।
पावर फंक्शन ने क्या किया, वो वैल्यूज़ रिसीव की, रिसीव कहाँ पे की, ए एंड बी वेरिएबल में, जिनकी डेटा टाइप वही थी जो हमने मेन के अंदर डेटा टाइप रखी थी। उसके बाद उसको उन्होंने यूज़ किया और हमारा यहाँ पे उन्होंने पावर को कैलकुलेट कर ली। आफ्टर दैट जो हमारा आंसर आया, जो कैलकुलेटेड पावर थी, वो हमारे ANS वेरिएबल में थी, तो हमें इसका डाटा वापस अपने बॉस को जाके देना था कि आपने जो वैल्यू दी है उनको कैलकुलेट करने के बाद ये हमारा आंसर आया। उसके लिए हमने रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ की। जहाँ पे भी फंक्शन में रिटर्न का वर्ड आएगा, इसका मतलब है ये कोई वैल्यू हम अपने मेन को या कोई ऐसा फंक्शन जिसने इसको कॉल किया था उसको वापस भेज रहे हैं। और क्योंकि यह रिटर्न स्टेटमेंट है, तो जब भी यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट आएगी तो हमारी रिटर्न टाइप कोई भी पर्टिकुलर डेटा टाइप होगी, दैट इज़ इंटीजर, फ्लोट, साइंड इंट, स्ट्रिंग, एनीथिंग। यहाँ पे हम वॉइड नहीं लिख सकते। तो यहाँ उसने क्या किया, जो आंस वेरिएबल के अंदर डेटा पड़ा था वो उसने वापस ला के आंसर वेरिएबल के अंदर रख दिया। याद करो जब हम प्रीवियस फंक्शन जो बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर रहे थे, दैट इज़ POW फॉर पावर फंक्शन या कोई और फंक्शन जब आप यूज़ करते हो, दैट इज़ साइज ऑफ फंक्शन, वो क्या करते थे, वो आपको कोई वैल्यू देते थे और उस वैल्यू को हम किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेते थे। तो हमने उसको यहाँ स्टोर कर लिया और फर्दर उसको हम किसी भी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ हम अपने फंक्शन को पैरामीटर्स पास करते हैं और कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं। नाउ लेट्स डू अनदर एग्जांपल जहाँ पे हम ये काम करेंगे कि हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे इवन और ऑड, जो ये चेक करेगा कि हमारा नंबर इवन है या ऑड। हमने ये टास्क करना है कि हम मेन के अंदर एक नंबर यूज़र से पूछेंगे, वो नंबर हम अपने फंक्शन इवन और ऑड को पास करेंगे, जो हमें चेक करके वापस हमारे मेन को बताएगा कि वो नंबर इवन था या ऑड था। और उसके बाद हम मेन के अंदर प्रिंट करेंगे कि योर नंबर वॉज इवन और ऑड। इसके लिए हम ऑलरेडी रिटर्न कोड, ये जो आपका हम ऑलरेडी एक दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे हम क्या कर रहे थे, मेन के अंदर एक नंबर पूछते थे और वो नंबर इवन ऑड फंक्शन को पास कर देते थे। और वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया था नाम के नाम से, जिसके अंदर उसकी वैल्यू स्टोर हो जाती थी। फिर फंक्शन के अंदर हमने चेक किया था कि अगर नंबर इवन है तो वो कह देता था सी आउट इवन, अदरवाइज वो कह देता था ऑड। यहाँ हमने रिटर्न टाइप वॉइड रखी थी। नाउ वी विल मेक अ डिफरेंस कि इंस्टेड ऑफ अ वॉइड स्टेटमेंट हम अपनी कोई वैल्यू वापस मेन को भेजना चाहते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास कोई डेटा टाइप आ जाएगी। चलो हम पहले अपने इवन ऑड फंक्शन को मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे मैं अपनी रिटर्न टाइप रखती हूँ बूल, दैट इज मैं चेक कर लूँगी अगर नंबर इवन है तो मेरा बूलियन वेरिएबल ट्रू हो जाएगा और अगर वो ऑड है तो मेरा बूलियन वेरिएबल फॉल्स हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, हम फंक्शन की बॉडी में आते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं बूलियन वेरिएबल जिसका नाम रखते हैं चेक और इसको इनिशियलाइज कर देते हैं हम ट्रू के साथ। अब क्या होगा, हम यहाँ पे इफ कंडीशन के अंदर जो सी आउट कर रहे थे, सी आउट करने के बजाय हम चेक वेरिएबल को अपडेट कर देते हैं कि वो हो जाए ट्रू, कि अगर तो आपका नंबर इवन है तो आपका चेक वेरिएबल क्या रहे, ट्रू। अदरवाइज क्या हो कि मेरा चेक वेरिएबल क्या हो जाए, मेरा चेक वेरिएबल हो जाए फॉल्स, तो वो उसकी वैल्यू को अपडेट कर देगा। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो नम वेरिएबल के अंदर जो डाटा आ रहा था उसको हम देखेंगे कि उसको मॉडुलस ऑफ टू लेके देखेंगे, अगर वो जीरो आ गया इसका मतलब है नंबर इवन है तो हमारा चेक वेरिएबल विल बी ट्रू, अदरवाइज मेरा चेक वेरिएबल फॉल्स हो जाएगा। हमने अपना फंक्शन बना लिया। अब फंक्शन की कौन सी वैल्यू या कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमने रिटर्न करनी है, तो हम यहाँ पे रिटर्न का वर्ड लिखेंगे, कीवर्ड आपका रिटर्न का आ जाएगा। और उसके बाद आप क्या चीज़ वापस भेजना चाहते हो, हमने ये जो चेक वेरिएबल के अंदर डाटा है वो वापस भेजना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे चेक। अब हमने चेक लिख दिया, अब मेरे पास बूलियन वेरिएबल एक वापस जाएगा। नाउ वी विल मॉडिफाई आर मेन पार्ट। अब मेन पार्ट में हमारी मॉडिफिकेशन कहाँ पे होगी, सिंपली जहाँ पे हमारा फंक्शन कॉल हो रहा था। पहले हम सिंपल कर रहे थे, वेरिएबल की वैल्यू पास तो कर रहे थे लेकिन हमें कुछ वापस नहीं मिल रहा था, तो हमने इसको कहीं पे भी स्टोर नहीं किया था। बट नाउ वी आर गेटिंग सम बूलियन वैल्यू बैक, तो हम क्या करेंगे, एक बूल वेरिएबल बना देते हैं और उसका नाम रख देते हैं आंसर। और उसके अंदर क्या होगा, यहाँ से जो भी डाटा हमें वापस मिलेगा वो आंसर के अंदर आ जाएगा। अब हम इस आंसर को फर्दर चेक करेंगे कि उसकी वैल्यू क्या है। हम कहते हैं इफ हम आंसर की वैल्यू क्या है, अगर तो आंसर हमारा ट्रू होगा तो डेफिनेटली हमारी यहाँ वैल्यू ट्रू आ जाएगी। तो उसके बाद इफ कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी तो हम कह देंगे योर नंबर इज इवन, अदरवाइज आप क्या करोगे, हमारे पास सी आउट हो जाएगा ऑड। अब यहां क्या हुआ, ये आंसर के वेरिएबल के अंदर एक डाटा आएगा
वो डेटा अगर तो ट्रू या वन होगा, इसका मतलब है मेरी इफ़ कंडीशन इज ट्रू, तो वो क्या प्रिंट कर देगा, इवन। और अगर यहाँ पे कोई भी और वैल्यू होगी दैट इज़ फॉल्स या ज़ीरो, तो वो क्या कर देगा, ऑड को प्रिंट कर देगा। हम यूजली क्या करते हैं यहाँ पे इफ़ की कंडीशन को इज़ इक्वल इक्वल टू वन या इज़ इक्वल टू फॉल्स कर देते हैं। अगर आप ये वैल्यू नहीं भी लिख रहे तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि वेरिएबल का जो डाटा होता है अगर तो वो अदर देन ज़ीरो एनी वैल्यू है तो उसको हम हमेशा ट्रू कंसीडर करते हैं, और अगर आपकी वैल्यू ज़ीरो है तो वो उसको फॉल्स कंसीडर करेगा। नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम। उसने कहा आप नंबर दो, हमने यहाँ पे नंबर दे दिया है 59। एज अ रिजल्ट उसने क्या क्या दिया, योर नंबर इज़ ऑड। सो दैट्स हाउ हम अपने नंबर्स को पास कर सकते हैं और अपनी कोई भी वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। सिंपल क्या चीज़ होती है, आप यहाँ रिटर्न का कीवर्ड लिखोगे और जिसको इसको आपने रिटर्न करना है वो आप यहाँ पे लिख दोगे। हम इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं कि अगर तो आपकी इफ़ और एल्स की कंडीशन में हम वेरिएबल को अपडेट करने के बजाय विदाउट यूजिंग वेरिएबल ये काम करते हैं। हम कहते हैं अपना बूलियन वेरिएबल को कमेंट करते हैं। अब इफ़ कंडीशन क्या है, अगर तो इफ़ कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब है हमारा वापस मेन को पता लगना चाहिए ट्रू, तो हम यहाँ पर रिटर्न लिख देंगे ट्रू। एज अ रिजल्ट क्या होगा, विदाउट सेविंग इट इन एनी वेरिएबल हम डायरेक्ट ट्रू रिटर्न कर देंगे, और उसके बाद यहाँ से ये फॉल्स वाला पार्ट हटा के हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट रिटर्न कर दो फॉल्स। यहाँ हमने दो दफ़ा रिटर्न का कीवर्ड यूज़ किया है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, जौन सी भी इफ़ कंडीशन का पार्ट ट्रू होगा हमारी वो वाली रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। अब हमने क्या किया, हमने कोई वेरिएबल नहीं यूज़ किया, स्टिल वी आर गिविंग समथिंग बैक, और वो किस टाइप का है, वो बूलियन टाइप का है, वो हमने शो कर दिया। Now let's run it again. उसने कहा आप नंबर दो, मैंने दे दिया 901. As a result आ गया odd. So that's how you can solve your different programs. Now let's move to the last category, जहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अपने functions को कोई parameter pass नहीं करेंगे लेकिन हमारा function हमें कोई value return करेगा। हमने बाकी सारी categories को discuss कर लिया, now we will do some questions regarding this category. अब इस कैटेगरी के लिए हम ये काम करते हैं, हम अपने इवन ऑड वाले फंक्शन को ही मॉडिफाई करते हैं। हमने डिफरेंस क्या लाना है, हम कह रहे हैं कि हम फंक्शन बनाएंगे लेकिन हम उसको यहाँ पे कोई भी पैरामीटर या कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे। दैट मीन्स कि हमारे ब्रैकेट्स खाली होंगे। अगर मेरे यहाँ पे हेडर में ब्रैकेट्स खाली हो जाएंगे तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, जब मेन फंक्शन में मैंने अपनी कोई वैल्यू पास की थी, आई कैन नॉट पास एनी वैल्यू फ्रॉम हेयर। क्या आप कंसिडर करो कि आपका बॉस कोई ना चीज़ आपको दे रहा है, और जब वो कोई चीज़ नहीं देगा तो हमारे पास एम्प्लॉय तो कोई चीज़ रिसीव नहीं कर सकता। सो हम वी आर नॉट पासिंग समथिंग हेयर। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये जो नंबर था ये पहले तो मेन में मिल रहा था लेकिन अब मेन में हमारे पास ये नंबर नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको मेन पार्ट से कट कर देते हैं और इसको हम अपने फंक्शन इवन और ऑड के अंदर जाके पेस्ट कर देते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होगा, मेरे इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बन जाएगा ए, जिसकी वैल्यू आप यूज़र से रीड करोगे, और उसके बाद हम इस ए वेरिएबल को चेक करेंगे। या हमने नाम रखा था उसको मॉडिफाई कर देते हैं ए के अकॉर्डिंग, अब वो इस ए की वैल्यू को चेक करेगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा, अगर तो ए इवन होगा तो ट्रू चला जाएगा वापस, अगर ऑड होगा तो फॉल्स चला जाएगा। और उसके बाद हम जब अपना मेन पार्ट आते हैं तो मेन में सिंपल क्या हो रहा है, हम अपना फंक्शन कॉल कर रहे हैं विदाउट गिविंग एनी पैरामीटर्स, बट वी आर गेटिंग सम वैल्यू बैक। ये कैसे पता लग रहा है, क्योंकि हम उसको कहीं पे स्टोर करा रहे हैं। उसके बाद ये जो आंसर आ रहा है उसको आप चेक करोगे, अगर तो वो ट्रू है तो इवन है, अगर वो फॉल्स है तो वो ऑड है। लेट्स रन योर प्रोग्राम। हम नंबर दे देते हैं 54, उसने कहा इट इज़ इवन। अब यहाँ पे सिंपल डिफरेंस क्या था, जो नंबर मैंने पहले मेन में पूछा था, क्योंकि अब मैं पैरामीटर पास नहीं कर सकती तो मैंने मेन में पूछने के बजाय मैंने अपने फंक्शन के अंदर जाके पूछ लिया। सो दैट्स हाउ हम अपने डिफरेंट फंक्शंस बना सकते हैं। फंक्शंस के अंदर आप क्या करते हो, आप कभी पैरामीटर पास कर सकते हो। इफ़ यू डोंट वांट, हम पैरामीटर्स को स्किप कर देते हैं। वी कैन इवन रिटर्न अ वैल्यू, और विदाउट रिटर्निंग वैल्यू हम वॉइड यूज़ करके अपने फंक्शंस बना लेते हैं। आई विल सजेस्ट हमने जो पावर फंक्शन किया है आप उसको मॉडिफाई करो, इंस्टेड ऑफ पासिंग पैरामीटर्स फ्रॉम मेन आप उसको फंक्शन के अंदर ही वैल्यूज को रीड करो और उसके अकॉर्डिंग पावर कैलकुलेट करके मेन में रिटर्न करो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।